मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को हुआ था। अपने पहले ही फिल्म सौदागर से लोगों का दिल जीतने वाली मनीषा कोइराला की शराब की लत ने कैसे उनके करियर को खराब किया, चलिए जानते हैं कुछ मनीषा कोइराला के बारे में। मनीषा ने दिल से, मन, इंडियन और गुप्त जैसी कई फिल्मों से और साथ ही अपनी ऑन स्क्रीन मासूमियत से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही। आज मनीषा कोइराला 53 साल की हो चुकी है। मनीषा कोइराला का फिल्मी करियर बहुत ही शानदार रहा, लेकिन इसके अपोजिट रही उनकी निजी जिंदगी। मनीषा कोइराला को ऑन स्क्रीन रोमांस भले ही लोगों को खूब भाया हो, लेकिन ऑफ स्क्रीन उनकी शादी 2 साल से ज्यादा नहीं चल पाई। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स की माने तो मनीषा कोइराला की शराब की लत ने उनके करियर पर ब्रेक लगा दिया था। तो आज हम मनीषा कोइराला की जिंदगी के बारे में ही कुछ दिलचस्प बातें जानें। मनीषा कोइराला बॉलीवुड की वो अभिनेत्री हैं जिनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी लगभग सभी एक्टर्स के साथ अच्छी लगती थी। आमिर खान के साथ फिल्म मन में जहां दोनों के बीच इमोशंस प्यार देखने को मिले, वहीं दूसरी तरफ फिल्म दिल से में शाहरुख खान के साथ उनके इंटेंस लव को भी लोगों ने खूब पसंद किया। इसके अलावा मनीषा कोइराला ने जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, ऋषि कपूर, सलमान खान जैसे दिग्गज एक्टर्स के साथ ऑन स्क्रीन अपनी केमिस्ट्री से लोगों का दिल जीता है। मनीषा कोइराला ने वैसे तो अपने फिल्मी करियर की शुरुआत नेपाली फिल्म से की थी, लेकिन हिंदी सिनेमा में उन्होंने फिल्म सौदागर से कदम रखा। इस फिल्म में वो दो लीजेंड कलाकार दिलीप कुमार और राजकुमार के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में उनकी और एक्टिव विवेक मुशान की लव स्टोरी दिखाई गई थी, उनको तो लोगों ने पसंद ही किया, लेकिन इसी के साथ मनीषा कोइराला की मासूमियत के भी लोग दीवाने हो गए और पहले ही फिल्म से मनीषा रातों रात स्टार बन गई। के शुरुआत में जहां मनीषा कोइराला की एक के बाद एक फिल्म सुपरहिट हो रही थी, जब मनीषा कोइराला की फिल्में फ्लॉप होने लगी तो इस तनाव को नहीं झेल पाई, जिसका असर उनके करियर पर पड़ने लगा। और इसी वजह से मनीषा धीरे धीरे शराब के नशे में डूबती चली गई और वो कब उनकी लत बन गई उन्हें ये भी नहीं पता चला। मनीषा कोइराला को धीरे धीरे फिल्में मिलना कम हो गई। इतना ही नहीं, 2 साल में ही पति से झगड़े और तलाक ने उन्हें पूरी तरह से निराश कर दिया और शराब जैसी गंदी लत की तरफ धकेल दिया। शराब की लत का असर उनकी सेहत पर भी होने लगा। मनीषा कोइराला की जिंदगी का सबसे बुरा और वो था जब एक्ट्रेस को अपनी कैंसर की बीमारी का पता लगा था। हालांकि मनीषा कोइराला ने हताश होकर हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने काठमांडू के बाद मुंबई आकर अपने कैंसर का इलाज करवाया। इन जगहों के अलावा मनीषा कोइराला ने अपने ओवेरियन कैंसर का इलाज अमेरिका में करवाया। 4 साल चले लंबे इलाज के बाद मनीषा कोइराला कैंसर जैसी जंग से जीत गई। हिंदी और नेपाली भाषा में फिल्में करने के अलावा मनीषा कोइराला ने कन्नड़, मलयालम फिल्मों में भी काम किया। वैसे तो मनीषा कोइराला लगातार फिल्मों में एक्टिव रही, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें साल 2018 में फिल्म संजू, रणवीर कपूर की माँ और स्क्रीन संजय दत्त की माँ नरगिस दत्त का रोल निभाते हुए देखा गया। इस भूमिका में लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया। हालांकि अब मनीषा फिल्मों में वापस कमबैक कर चुकी हैं। वैसे आप मनीषा कोइराला के फैन हैं या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।